हेलो एवरीवन, दिस इज अ कंटिन्यूशन वीडियो ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इन द फर्स्ट टू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ द बेसिक मीनिंग ऑफ मीन, मॉड एंड मीडियन, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री, दैट इज वेन एवर वी हैव ए सिमेट्रिक डेटा। दैट मीन्स ए सिमेट्रिक मीन्स वेयर द मीन, मॉड एंड मीडियन आर, three of them are unequal, then in this case we apply this formula, that is 3 median minus 2 mean. Okay, so now in this lecture we are going to start another topic or another type of mean, which is called geometric mean. This is a very important concept, so all of you please listen this very carefully, because in exam basically the examiner basically ask mostly various types of questions from this topic. Okay, so first let's understand the basic meaning of geometric meaning. Suppose we have a series like this. Suppose 3, 12, 48, 192 and 368. I have written this series in a multiple of 3. इसका मतलब क्या है? Sorry, in a multiple of 4. इसका मतलब क्या है? That means if I multiply 3, I get 12, and if I multiply 12, I will get 48. If I multiply 48 by 4, I'll get 192. And last I'll get 368. That means there is a common factor that is called multiplication of 4 each and every like jo word hai un sab mein. Okay, that means I have to multiply by 4 to get the next number. Okay, so ab isme geometric mean ka matlab kya hai, matlab yahan par hai kya? That means जब भी सीरीज में कोई एक मल्टीप्लीकेशन आए, दैट मीन्स वेन एवर देर इज अ कंपाउंडिंग, ओके, सो वेर जब भी कुछ कंपाउंडिंग हो तब हमारा ज्योमेट्रिक मीन एप्लीकेबल होता है, तब वहाँ पर हमारे अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन सब कुछ फेल हो जाता है। इन दिस केस वी हैव टू गो फॉर ज्योमेट्रिक मीन। अभी हम वेरियस एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आपको सिर्फ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ वट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए, अभी मैंने ये फाइव मैंने ऑब्जर्वेशन लिए, उसके हिसाब से मैंने ये सीरीज बनाई है विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। अब जैसे आपको पता है कि इसमें कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। अब मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए सपोज इफ यू आर गिविंग एनी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, इन मोस्टली लाइक कैट एंड जी मैट, एंड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द बैंकिंग फील्ड, तो बैंकिंग में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली दे आस्क। कैसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, मैं जैसे बोलूँ मैंने सिर्फ ये लिखा, इट इज 3 and 48, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी दी नंबर, ठीक है सर, दैट मीन्स व्हाट वुड बी दी मिडल नंबर। सो वैसे तो आपको पता है 12 आएगा, बट 12 आएगा कैसे, डिवाइड करके, बट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कैसे का देखिए, ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 48, 3 multiplied by 48, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 144, एंड दैट वुड आपको क्या मिलेगा, दैट इज 12, ठीक है। आप देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं तो इसी सीरीज से देखिए और ज्योमेट्रिक मीनिंग आ सकता हूँ, लाइक बिटवीन 48 and 368, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, दैट इज 192, ठीक है। ऐसे ही आप ज्योमेट्रिक मीनिंग को निकाल सकते हो, लाइक बिटवीन 3 multiplied by 368, दैट इज 1104, एंड इफ आई टेक 1, दिस इज नॉट अ मिडिल नंबर, ये आपके दो केस हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दैट मीन्स देयर
दैट मीन्स इन इन दोनों जैसा कोई भी नंबर ले, सपोज ए ये लिया, बी ये लिया, सो इनके बीच में और कोई नंबर नहीं है, ठीक है? सो दैट मीन्स आपका फिर ज्योमेट्री मीन आया, दैट इज़ 192। सो ज्योमेट्री मीन क्या होता है बेसिकली, दैट मीन्स देर शुड बी अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दी ऑब्जर्वेशंस। ओके, अच्छा, इफ़ आई टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, तो वो क्या है? दैट मीन्स ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये आप हमेशा याद रखना, बिकॉज वैन वी डू सम लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सो आपको ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ऑल राइट, अब देखिए, जैसे मैं आगे और भी कोई एग्जांपल में, सपोज अब मान लीजिए अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूँ किसका, 4 और 9 का, तो आप कैसे निकालोगे? देखो ये कैसे निकालते हो, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, दैट मीन्स 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 6.5। और इसी केस में अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूँ 4 एंड 9 का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 एंड 9, दैट इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तभी मैंने आपको रिलेशन, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब देखिए इन शॉर्ट अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या, देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला ही है, ठीक है? सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स एंड रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स, चाहे वो कितने भी हों। लाइक सपोज इफ आई राइट, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, एंथ रूट ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री एंड इट विल गो ऑन। सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर वैसे अगर देखो जैसे अगर आप जैसा अभी आपने ये पढ़ा, अब यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर दैट इज 4 एंड 9, तो आप तो अंडर रूट निकल लिया, बट सपोज अगर सीधे से लंबी होती जाए, जैसे मान लीजिए 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, तो उस केस में अंडर रूट नहीं, आप पावर लगानी पड़ेगी, दैट इज 6 या 5, तो उस केस में कैसे आप ज्योमेट्री मीन कैसे दूर होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक सपोज वी हैव अ सीरीज, सपोज ये एक्स है एंड वी हैव अ सीरीज सपोज 1, 2, 3, 4, 5। अब इस केस में अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका पावर 1/5 हो जाएगी। पावर 5 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर एन क्या है, दैट इज 5, ठीक है? तो कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सो दैट वुड बी 120 एंड इसकी पावर 1/5। नाउ एट दिस पॉइंट वी ऑलवेज स्टक हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, 120 टू दी पावर 1/5। सो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट बाय वे ऑफ बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है? वो मैं बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, मैं पहले बोल रहा हूँ सिंपल कैलकुलेटर इसको ना, जैसे देखो आप लाइक सिटीजन के जो कैलकुलेटर आते हैं, ठीक है, अगर आप वही सिंपल करोगे कोई भी आप कर सकते हो आपस में। स्टेप नंबर 1 देखो कैसे करोगे आप, पहले आप सपोज जैसे ये नंबर के यहाँ पर 120 है, आप टाइप करोगे 120 120 एंड देन प्रेस अंडर रूट ट्वेल्व टाइम्स। आई रिपीट, फर्स्ट टाइप दिस नंबर दैट इज 120 एंड देन प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, देखिए नंबर देके घबरा मत, नंबर कुछ भी है कोई घबराना नहीं है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है उसमें आप करोगे -1 एंड देन प्रेस इक्वल टू,
minus 1 and then press equal to. This is step number 2. Now step number 3. Divide from power. That means यहाँ पर जैसे पावर की आपकी 1/5 आपकी, तो जो भी वैल्यू आई है उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, डिवाइड बाय 5. अगेन आपको नंबर देके घबराना नहीं है, जस्ट जैसे मैं स्टेप बताऊँ बस वैसे ही आपको फॉलो करते रहो. नाउ स्टेप नंबर 4. जो भी वैल्यू आई है उसमें कर दो प्लस 1 एंड देन प्रेस इक्वल टू, प्लस 1 एंड देन प्रेस इक्वल टू. And the last step is step number 5. Press multiply and equal to 12 times. Press multiply equal to 12 times. कैसे करना देखिए, जो भी value आई है पहले press करो multiply and equal to, ये हो गया 1. ठीक है, 1 हो गया, ऐसे 12 टाइम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो देखिए मुझे जो वैल्यू आई है दैट इज, मेरी जो वैल्यू आई है दैट इज 2.606. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. That means if you follow all these steps, you will get fun answer. Okay, I think you have, agar like jo GMAT ya CAT kar rahe hain and like some of you are preparing for the competitive exams. So if you have like if you are attending coaching center and all, so वहाँ पर आपको ऐसी trick बताते हैं, ठीक है? So अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में हमको ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, ये मैंने सिर्फ बताया ज्योमेट्रिक मीन का मतलब कैसे कैसे है. अभी तो जो मैं आपको बताता हूँ वो तो वो भी सिंपल है, ये सब करने की जरूरत नहीं. ये मैं आपको बता दिया कि रियल लाइफ में अगर जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स अगर यूज़ नहीं करते तो कैसे करते, कैसे निकालते हैं, ठीक है? बिकॉज देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आपके पास आ गई, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दे दी एंड आपको बोलते एग्जाम में कि फाइंड आउट जी एम, फाइंड आउट जी एम और ज्योमेट्रिक मीन, तो आप क्या करो वैल्यू तो लिख दोगे और फिर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे. अब एग्जामिनर को कैसे पता चला कि आपकी वैल्यू कैसे निकाली? बिकॉज इन द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वी ऑलवेज फॉलो अ सिस्टमेटिक ऑर्डर. ठीक है, बिकॉज सिस्टमेटिक फॉलो से बिकॉज आपको दैट मीन्स वी नीड टू ऑलवेज अप्लाई अ बेसिक फॉर्मूला. वी कैन डू एनी बिजनेस स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम विदाउट एनी फॉर्मूलाज. आप ये नहीं सोचते हम तो कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ कर लिए तो आंसर तो ये आएगा. यस आंसर तो वही सेम आएगा, बट द थिंग इज यू नीड टू फॉलो अ सिस्टम. ठीक है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. तो किस तरह से करना है वो ध्यान से देखिए. ऐसे देखिए फॉर्मूला तो आपका यही है, ठीक है? अब इसको आगे और कैसे करना है, कैसे सॉल्व करोगे, इसी फॉर्मूला को कैसे एक्सटेंड करोगे? वी नीड टू टेक लॉग बोथ द साइड्स. यस लॉग, आपने सही सुना, लॉग लॉग एंटी लॉग कुछ सुना आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में, है ना? तो वही है, किस तरह करना है देखने से देखिए. घबराने की बात नहीं है. आई नो वेरी वेल लाइक सम ऑफ यू आर फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स लाइक हाउ टू कैलकुलेट लॉग, लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं एंड एंटी लॉग एज वेल. कोई देर नहीं है, जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes, आपको सब याद रहेगा एंड आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा. तो कैसे करें देखिए, लॉग एक्स वन मल्टीप्लाई था वहाँ तो ऊपर, आप कह देगा लॉग एक्स टू प्लस ऐसे कीप चलता रहेगा लॉग एन आ जाएगा एंड देन डिवाइड बाय एन. मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है? इसी फॉर्मूले में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर भी लॉग ले लिया, यहाँ पर भी लॉग ले लिया, ठीक है? तो क्या जाएगा लॉग जी एम, ठीक है? एन की पावर ऊपर थी तो ये नीचे चले गया, ठीक है? एन ये मल्टीप्लाई में तो ये प्लस में गया, ठीक है? अब एज यू नो वेरी वेल लाइक जैसे हमने अभी 3 एवरेजेस पढ़े, मीन मॉड एंड मीडियन, एंड वी हैव स्टडीड वेरी डीप लाइक इन डेप्थ हमने पढ़ाया इन लाइक इन एवरी टाइप ऑफ सीरीज. विच टाइप ऑफ सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज.
सेम ऐसा आपको ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है आपको। इफ़ यू हैव इंडिविजुअल सीरीज देन इन दिस केस द फॉर्मूला वुड बी, देखिए कैसे हो रहा है, सेम देखो मैं ये जा रहा हूँ इसी को लिख रहा हूँ। देखो क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। लॉग उधर चलेगा तो क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग क्या बन गया, ये एंटी लॉग बन गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट्स इट। ये इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। नाउ कम टू डिस्क्रीट सीरीज, कैसे निकालेंगे देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ऑल राइट। एंड देन इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, दैट्स इट। सो दिस आर द दीज आर दी दीज आर दी थ्री फॉर्मूलाज इन ईच टाइप ऑफ सीरीज, ओके। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आराम से करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। चलिए अब कुछ करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्योमेट्रिक में के। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 17। डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज गिवन बिलो, फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन, ओके। एक सीरीज गिवन आपको, आपको पता है ये समझ गए होंगे कौन सी सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। सो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज गिवन है आपको, दैट इज एक्स गिवन आपको, ठीक है ना, एक्स गिवन आपको। क्या क्या वैल्यू गिवन आपको, 85, 70, 15, 75, 500, 8, 45, 215, 40 एंड द लास्ट वन इज 60, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज है, अब आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्री मीन का, यहाँ फॉर्मूला देते हैं, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, वी होगा आपका, ठीक है। एन तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री मीन निकालना है आपको, एंटी लॉग डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, देखिए हमें निकालना है सिग्मा ऑफ लॉग एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, लॉग एक्स और इसका समेशन क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा ऑफ लॉग एक्स, ये वैल्यू जाएगी। अब बसा रखे आपका लॉग का है, 2 मिनट लगेंगे समझने में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, ध्यान से दीजिए। फर्स्ट देखिए आपकी सीरीज में फर्स्ट वैल्यू का दैट इज 85, अब इसका लॉग कैसे निकालेंगे, देखिए दिस इज द लॉग टेबल। क्या करना है आपको, आपको देखना है वैल्यू ढूंढनी है 85 कहाँ पर है। देखिए लॉग में क्या होते हैं, 1 to 99 आता है, आपको 85 तो देखना है कि 85 कहाँ पर है। देखिए ये रहा आपको 85, ये रहा। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको रफ में यहाँ पर साइड में लिखिए 85, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, 0 ही होगा ऑब्वियसली, मतलब कोई डेसिमल ब्रेक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो 85 पर ये रहा 0 करो, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए एक बार, ये देखो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 85 के बाद कुछ भी नहीं लगा, सो दैट मीन्स ये 0 प्लेस पे देखें, दैट मीन्स 9294, क्या लिखा, देखिए 9294। तो यहाँ पर यहाँ लिखिए इसका आपकी क्या वैल्यू है, 9294,
क्या करना है आपको, ये जो 85 लिखा है दिस इज़ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर है, माइनस वन करो दैट इज़ वन, तो क्या हो जाएगा 1.9294, 1.929, बस आपकी लोग एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर से समझते हैं, नेक्स्ट वैल्यू देखिए 70, क्या करना है आपको 70 पे जाइए, देखिए आपको 70 के आगे कुछ नहीं था तो क्या वैल्यू क्या है 8451, देखिए ध्यान से क्या लिखिए 0 प्लस पे 8451, सो क्या रहेगा 1.8451, 1.8451, 1 क्यों, देखो 70 इज़ अ टू डिजिट नंबर, जस्ट माइनस 1 करो दैट इज़ 1, सो 1.8452। ओके नाउ 15, 15 के लिए देखते हैं, 15 क्या रहेगा 1.1761, 1.1761, ओके देन 75, 8751, 1.8751, नाउ दिस इज 500। देखिए आपको पता है कि लॉग टेबल में लास्ट वैल्यू कितनी 99 तक होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, देखो 500 यहाँ लिखा आपने, आपको देखना है बस 50 तक देखो, 50 तक देखो, 500 होता नहीं तो 50 तक देखो, देखो 50 के आगे क्या लिखा है, 50 के आगे वैल्यू है आपकी 6990, 6990, तो वैल्यू लिखो यहाँ पर 6990। नाउ दिस इज़ अ थ्री डिजिट नंबर, माइनस वन दैट इज़ टू, सो वैल्यू वुड बी 2.6990, 2.6990। नाउ कम टू 8, 8 क्या कुछ नहीं है, सो 8, अच्छा तो आप इसको देखो कैसे करोगे, 8 80 में देखेंगे, अगर 80 में देखेंगे, 8 का भी कुछ नहीं होगा तो 80 के देखोगे क्या लिखा 9031, कैसे करना देखो 8 लिखो, 80 में देखो 9031 एंड दिस इज सिंगल डिजिट नंबर, सो वैल्यू वुड बी 0.9031, 0.9031। ओके द नेक्स्ट वन इज 45, सो वैल्यू वुड बी 1.6532, 1.6532। 250 का कैसा होगा, 250 का क्या होगा, फर्स्ट पहले देखेंगे 25 पे देखेंगे 3979 दैट इज 2.3979, 2.3979, ऐसे सिमिलर 40 का हो जाएगा 1.6021, 36 का 1.5563। नाउ द समेशन ऑफ दिस वुड बी 17.67, सॉरी 6373। ऑलराइट, बस आपको वैल्यू यहाँ लिखनी है 17.6373, ज्योमेट्रिक में कैसे करेंगे एंट्री लॉग ऑफ डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.7637। ठीक है, बस आपको ज्योमेट्रिक में देखिए कितने करना है, नाउ वी हैव टू सी एंटी लॉग टेबल। ठीक है, एंटी लॉग टेबल देखिए वैल्यू क्या, पहले तो वैल्यू में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एंटी लॉग निकालना हमें 1.7637 का, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है, कैसे देखेंगे यहाँ से देखिए, गो टू एंटी लॉग टेबल, दिस टेबल आई विल शेयर विद यू। ठीक है, सो आपको क्या दिखना है, देखो आपको दिखनी है, आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू दिखनी है 7637, 7637, देखिए 0.7637 लिखना है, तो 0.76, 0.76, 0.76 ये रहा, 0.763 देखना है, देखना देखिए कैसे को कि थ्री डेसिमल, तो यहाँ पर थ्री प्लेस हो गया, पॉइंट क्या था, पॉइंट
0.7637। तो 76 तो मिल गया हमें, 76 की वैल्यू क्या लिखिए, 5457 नहीं हमें 3 तक देना, सॉरी 3 प्लेस तक देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले 76 तक गए और फिर देखना है 3 पे, कॉलम नंबर 3 पे देखना कि वैल्यू क्या होगी इसकी, राइट। तो 3 पे देखिए वैल्यू क्या है, दैट इज 5794। 5794 यहाँ लिख लो, 5794, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको ये 7 में भी कुछ करना है, कैसे करना है आपको, ये क्या होते हैं आपके लिए, आपके ये मेन डिफरेंस होता है, तो उसमें देखना है आपको। देखिए मेन डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 7 वैल्यू देखना पता लिखे यहाँ पर, तो 7 कॉलम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे सेम है 7.76 में लिखोगे 7 में, दैट इज 9 है। तो क्या करोगे 9 का, इसमें हम ऐड कर देंगे 9, क्या ऐड कर देंगे हम 9। तो बस वैल्यू बनेगी आपकी 5794+9, दैट इज इक्वल टू 580। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट थिंग क्या करनी है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 पॉइंट लिखा है। देखिए जब हम लॉग निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1 करते हैं, और यहाँ पर उल्टा करना है आपको, +1 करना है। तो क्या करेंगे इसका, तो दैट मीन्स +1 करने का 2 आ गया, दैट मीन्स जो आपकी डेसिमल लगेगा वो कब लगेगा, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, 1 2, तो यहाँ लगेगा। सो वैल्यू वुड बी 58.03, ये आपका फाइनल आंसर है। प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आपका ज्योमेट्री मीन क्या आया, दैट इज 58.03। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा, कोई नहीं, अभी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। नाउ ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस टाइम वी हैव कंटिन्यूस सीरीज एंड ये जो सीरीज़ है आपकी, ये कौन सी सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव सीरीज़, ओके। सो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता ही है, उसकी हेल्प से करना आपको कंटिन्यूस सीरीज में, देखिए फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पुट अप करना, बस इट, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें वेट गिवन है तो मैं उसको एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स को मैं एफ लेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या गिवन आपको, स्टार्ट फ्रॉम 152, 154, 155, 159, 132, 134, 135, 139, 142, 144, 145 to 149, 142, 144, 145 to 149, and the last one is 152, 154. We have frequency 24, 30, 45, 65, 72, 84, 124, 58, 22, 32, and last one is, that is 8. First write the formula for geometric mean in the case of continuous series. So anti log of sigma f log m
डिवाइड बाय एम। अब वहाँ पर फ्रिक्वेंसी है लॉग एम सी एम, एम दैट इज मिडल वैल्यू ऑफ दी ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सो कैसे निकालनी है देखिए, दैट मीन्स तो इसकी वैल्यू गई 100 एंड 104 का मिडिल वैल्यू दैट इज 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147 एंड 152। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लॉग एम। ओके नाउ दीज आर और थ्री डिजिट नंबर, तो माइनस में करना समझ गया होगा 2.2 आएगा ही आएगा। ठीक है अब माइनस गो टू एंड सॉरी लॉग टेबल। तो फिर फर्स्ट वैल्यू क्या थी अपनी 102, किससे निकालेंगे देखिए यहाँ पर एंटी लॉग, तो देखो सॉरी लॉग टेबल आपको पता ही है लास्ट डिजिट क्या होती है 99 तक होती है, तो 102 कैसे निकालोगे? तो पहले हम देखेंगे 10, पहले 10 में देखेंगे, पहले 10 देखेंगे और फिर इसकी टू प्लेस देखेंगे, तो क्या वाली क्या है 0086। 10 देखेंगे और फिर 2 तक देखेंगे बिकॉज 102 पूरा देखेंगे, तो कैसे देखेंगे पहले 10 और फिर 2, सो क्या वाली क्या है 0086। एंड एज सिंस इट इज़ अ थ्री डिजिट नंबर सो वैल्यू वुड बी 2.0086, 2.0086। 107 करेंगे सेम, पहले 10 और फिर 7 तक देखेंगे दैट इज 0294, 0294 सो 2.0294। देन फॉर 112 गो टू 11 एंड देन 2 दैट इज 0492, 0492, 2.0492। सिमिलरली फॉर 117 दैट इज 11 एंड 7, 11 एंड 7 दैट इज 2.06282। ओके आई होप आपको समझ आई होगा। सो मैं जल्दी लिख देता हूँ 2.0864, 2.1038, 2.1206, 2.1367, 2.1523, 2.1673, 2.1818। ओके सो इसका टोटल करेंगे, सॉरी टोटल हम सॉरी इसका नहीं करेंगे, सॉरी 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 हमें फॉर्मूला क्या है हमें करना है, अब प्रोडक्ट निकालना है फ्रिक्वेंसी का एंड लॉग एम का। ठीक है सो कैसे करेंगे, दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस सो दैट वुड बी 48.2064 तो देखिए मैंने यहाँ तक सारी वैल्यू लिख दी, मैंने टोटल कर लिया सिग्मा ऑफ एफ लॉग एम का एंड देन डिवाइड करने के बाद सर अब आपको एंटी लॉग निकालना है इसका। तो देखिए एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, वैल्यू क्या दैट इज 2.0987। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद की वैल्यूज को जानना है, क्या लिखा है 0987। सो एंटी लॉग टेबल में जाएंगे 0.09, दिस इज द 0.09, यहाँ पे 8 देख देखना 8, यहाँ देखिए क्या लिखा है 1253, 1253 यहाँ लिख देता हूँ 1253। अब लास्ट क्या दैट इज 7, तो यहाँ देखिए मीन डिफरेंस 7 में जाएंगे, मीन डिफरेंस 7 में जाइए, देखिए क्या वैल्यू है दैट इज 2, सो 2 ऐड कर देंगे इसमें प्लस 2 दैट इज 1255। ठीक है अब यहाँ पे क्या है आपको प्लस 1 करना है, किसमें करना है 2 है प्लस 1 दैट इज 3, सो दैट मीन्स फाइनल आंसर वुड बी
125.5. This is the final answer. Okay, I hope you have understood this very well. If you have any doubt, please keep note down and I will clear all your doubts in the live lecture. Alright, now let's move on to next question, that is question number 19. The price of a commodity increased by 5% from 2016 to 2017, 8% from 2017 to 2018, and 77% from 2018 to 2019. Now the average increase from 2017 to 2019 is quoted as 26% and not 30%. Explain and verify the result. See, as I told you earlier, this geometry mean basically applies wherever we have the compounding factor. जैसे देखिए हमने फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया तो उसमें देखिए मल्टीप्लाई फोर किया, दैट मीन यहाँ पर क्या है, फोर का कंपाउंडिंग है, ठीक है। जैसे देखिए थ्री से मल्टीप्लाई करो 12, फिर 12 के बाद मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, दैट इज 48, तो क्या है कंपाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर परसेंटेज, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में देखिए 5% इंक्रीज हुआ, फिर 8% एंड देन 77। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी व्हाट वुड बी दी एवरेज ग्रोथ, ठीक है। वैसे देखिए और भी बहुत सारे मेथड है कैसे ग्रोथ करना है, बट द थिंग इज वी आर स्टडिंग दिस business statistics and we have to do everything with the help of formula, all right. So यहाँ पर देखिए कैसे करना है, that means we need to find out the what would be the average growth in this year, that is from 2017 to 2019. So अब हमें वैसे तो बोलते हैं कि quoted हुआ है कितना, that is 26%. Now we have to verify whether this 26% is right or wrong, all right. So देखिए कैसे करना है, बहुत ईजी है। फर्स्ट देखिए कितना इंक्रीज हुआ था, पहले आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए परसेंटेज राइज, कितना कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 5%, 8% एंड देन 77, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पर करना है आपको, एक और कॉलम बनाओ फॉर एक्स का, कैसे करना है, जैसे देखिए 5% इंक्रीज हुआ, पहले कितना था मान लीजिए बेस में सपोज 100 है, सो अब कितना हो गया होगा, दैट इज 105, ठीक है। हमेशा देखना जब भी ज्योमेट्री में करोगे ऑलवेज एज्यूम 100 एज बेस फॉर ऑल द ईयर्स, ऑलवेज एज्यूम 100 एज बेस फॉर ऑल द ईयर, ठीक है। बस देखिए ये आपका 2017 में आया था, सो 2016 को बेस लिया हमने 100, तो अब क्या हो गया 17 में, दैट इज 105, ठीक है। अब 17 में क्या होगा, 100 बेस लिया तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, दैट इज 108 एंड देन 117, ऑलराइट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कंपाउंडिंग था, तो आपने 105 का 8% ऐसे कर लिया, वो इसलिए डियर बिकॉज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एंड हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जो हम जब भी लॉग यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली लॉग हम इसलिए करते हैं, वो ऑलरेडी कंपाउंडिंग फैक्टर बन जाता है जब हम लॉग यूज़ करते हैं, बिकॉज देखिए अब ये आपकी ये इंडिविजुअल सीरीज बन गई, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स बन गया। अब क्या निकालना आपको, सिंपल लॉग एक्स सबको ऐड करना है, से आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। सो देखिए 105 का लॉग क्या बनेगा, 105 क्या देखना है, 10 में देखना है, ठीक है। 10 एंड 5 दैट इज 0212, तो क्या बनेगा आपका 2.0212, फॉर 108 2.0334, फॉर 177 गो टू 17 एंड देन 47 दैट इज 2.2480, दैट्स इट। नाउ सम अप ऑल दिस वैल्यू, दैट वुड बी 6.30
6.3026, बस यहाँ लिख दो 6.3026 डिवाइड बाई 3। नाउ विन टू फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 2.1009। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, हमें डेसिमल की बाद वाली देखनी है, डेसिमल की बाद वाली क्योंकि नहीं, देखिए 0.1009। सो यहाँ पर देखिए एंटी लॉग 0.10, 0.10 कहाँ देखें, यहाँ पर ये रहा 0.109 में जाओ लास्ट में 1285, तो पहले 1 लिख देते हैं 1285 वैल्यू थी, सॉरी 0.100 में जाना, 0.100 में दैट इज 1259, पहले लिख दो 1259, दिस इज फॉर मेन डिफेंस। 9 में जाओ, 9 में देखिए वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, 3 ऐड कर देंगे इसमें 1262। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 2 लिखा हुआ है, प्लस 1 करेंगे सो डेसिमल का लगेंगे हम 126.2। ओके, सो दिस इज द एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, बट दिस इज नॉट अ फाइनेंसर, बिकॉज हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा, व्हाट वुड बी द एवरेज ग्रोथ रेट फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक है, और हमने 100 एज बेस ईयर लिया था, सो दैट मीन्स -100 भी करेंगे इसमें, -100, सो दैट वुड बी 26.2%। सो दैट मीन्स 26 इज द करेक्ट कोट, कोट को 6 कर लिया था। ऑल राइट, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट फॉर ऑल द ईयर्स। अब यहाँ पर एक और मैं बताता हूँ, जैसे सपोज अगर मान लीजिए कोई एक एसेट है, ठीक है, एंड कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी एंड दिस वैल्यू बेसिकली डेप्रिसिएटिंग ईच ईयर। अब समटाइम्स सबसे एग्जाम पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी दी एवरेज डेप्रिशिएट रेट, बिकॉज मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 5% डिक्रीज हुआ, देन 12% एंड देन 30%, सो व्हाट वुड बी दी कहते डिमिनिशिंग रेट बोल सकते हो या बोल सकते हो डेप्रिसिएशन रेट क्या है। सो इसके इसमें करना पड़ा, देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए आपने क्या करा, 100 एस बेस ले लिया था हमने, हर जगह पे 100 एस बेस ले लिया था आपने, तो आप अगर 100, जैसे कि मान लीजिए बड़ा है तो आपने 105 कर दिया, वहाँ क्या करो 100-5 दैट इज 95, देन 100-8 92, 100-77 दैट इज 23। ओके, बस सबका लॉग निकालना है, सम ऑफ लोकेशन डिवाइड बाय एन एंड दैट्स इट। ऑल राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द एनुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड बाय अ नेशन फॉर 5 ईयर्स, ये परसेंट भी गिवन है, 5%, 7.5, 2.5, 5 and 10%, व्हाट इज द कंपाउंडिंग रेट ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल द 5 ईयर्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। नंबर 1 टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 84 मिलियन इन 2007 टू 108 मिलियन इन 2017, फाइंड आउट द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ से देखिए क्या बोला, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, दैट इज 21। क्या बोल रहे हैं, 2007 में 84 मिलियन पॉपुलेशन थी, 2017 में 108 होगी, 108 मिलियन। अब हमें बताना है कि इसका परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या है, हमें ये निकालना है। हम राइट, अब इस केस में दिक्कत ये है कि हम इसमें अब ज्योमेट्रिक में निकालें कैसे, यहाँ पर आपको एक अलग तरह से निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कंपाउंडिंग, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कैसे निकालते थे भाई, ए इक्वल टू पी 1+r की पावर n, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट,
सो यहाँ पर क्या देखें, फ्यूचर में 108 मिलियन पॉपुलेशन होगी, एट प्रेजेंट इतनी है 84, 1 प्लस आर टाइम हो गया 10। बस आपको क्या करना है, नाउ यू नीड टू टेक लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा आपका, लॉग 108 इक्वल टू 10 लॉग 84 प्लस लॉग 1 प्लस आर। ऑल राइट, यस, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू। There is some mistake on my side. Sorry, first person is in this. अभी करेंगे लॉग 108 माइनस लॉग 84, 10 नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर। ओके, बस अब हम लॉग निकाल लेते हैं, पहले लॉग 108, लॉग 108 वन जीरो देखेंगे, सो दैट विल बी 2.0334, 2.0334 माइनस लॉग 84, गलती तो हमारे 99 तक होती है, सो 84 में देख सकते हैं, 84 में 0 तक, तो क्या जाएगा 1.9243 डिवाइडेड बाय 10 and that is equal to log 1 plus r. So that is the value of 0.0109 equal to, so log anti log bhi nikalna padega uska hum, so isi ka hamara anti log nikalenge and 1 plus r ho jayega. जब एंटी लॉग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1.026 इक्वल टू 1 प्लस आर एंड आर की वैल्यू आपकी 2.6%। सो दिस इज फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप्स गिवन है, आपको इंडेक्स नंबर गिवन है एंड वेट्स गिवन है। देखो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, दैट इज सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड एवरेज में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो जाएगा फॉर्मूला में एंड देन एवरीथिंग विल बी सेम। ये मैं लिख रहा हूँ इन द केस ऑफ वेटेड। कैसे करना है, इजी है, सॉरी एंटी लॉग ऑफ सिग्मा वेट्स मटेरियल करना है, लॉग एक्स निकालना है डिवाइड बाय, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। एक्स गिवन आपको, वेट्स गिवन आपको, पहले निकालना है तो आपको लॉग एक्स निकालना है, उसको मटेरियल करना है वेट से, समेशन आपके पास आ जाएगा, डिवाइड कर देना समेशन ऑफ वेट्स, उसका एंटी लॉग दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज फॉर होमवर्क। मूव ऑन टू 23। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 28, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी
एंड ऑल्सो फाइंड मीडियन, इजी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा। पहले आप मिसिंग फिगर का लेना है, मीन तो गिवन ही आपको। ओके सो क्वेश्चन नंबर 23 इज फॉर होमवर्क। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 24। इन 1980, द पॉपुलेशन ऑफ द यूएस वाज 151 मिलियन एंड 179.3 मिलियन रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज ई एफ? सेम जैसे हमने वो देखिए ऊपर क्या था, वही क्या करोगे आप, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर एन, सेम ऐसे करोगे आप। लेकिन वी नीड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 184 की पॉपुलेशन हमें एस्टिमेट करनी है। सो यहाँ पर देखें 24, देखिए 24 का जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको आंसर लिख देता हूँ, उसका जो एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज 1.7%। सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि वी नीड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1984, ठीक है, हमें गिवन थी 1980 की एंड 1990 की। 1990 की इतनी गिवन हमें, दैट इज 151.3 मिलियन, इसकी कितनी गिवन है 179.3 मिलियन। ओके हमें निकालनी है 194 की, तो कुछ नहीं हमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिखूँ पी एन इक्वल टू पी जीरो वन प्लस आर की पावर नाइन, सो हमें तो 190 की तो पता ही, दैट इज 151.3। रेट आपको पता ही है, रेट कितना आपका 0.17, 17% से इंक्रीज हो रहा है 1.7 से। ओके सो सॉरी यहाँ पर है तो सॉरी 0.017, बस पी एन निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 161.74 मिलियन। दैट्स इट। नाउ सो लिखा है इफ द एवरेज, थर्ड पार्ट, इफ द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर ईयर फ्रॉम 1992 टू 2000 इज द सेम, दैट मीन जो पहले भी था 1.7 सेम है, वट विल दी पॉपुलेशन इन 2000, तो बस सेम हो जाएगा आपका। 1990 गिवन आपको दैट इज 1.3, उससे आप एवरेज की ग्रोथ रेट लगा देना 1.7% का आंसर आ जाएगा। सो मैं थर्ड पार्ट का आंसर लिख देता हूँ, आप टैली कर लेना, आंसर वुड बी 212.11 मिलियन। ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू वैल्यूज आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यूज। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इन द लास्ट टेन ईयर के कारण एग्जाम में ये एटलीस्ट 8 टाइम्स आ चुका है। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, सॉरी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है 10, ज्योमेट्रिक मीन की 8, हमें निकालनी है वैल्यूज कितनी कितनी होगी। सी हमें ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन ये कितना गिवन है आपको 10, ये गिवन है आपको 8, राइट। ज्योमेट्रिक मीन देखिए कैसे निकालते हैं हम, a प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये कितना गिवन है आपको 8, सो क्या रहेगा a प्लस बी इक्वल टू 16। ये कैसे निकालते हैं हम, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी इसको हम ले रही 10 इज इक्वल टू 20,
ज्योमेट्री में कैसे होते हैं ए इंटू बी ऑल राइट सो ये कितना जगह दैट इज ठीक है स्क्वायर करेंगे तो कभी नहीं दैट इज 64 ए बी इक्वल टू 64 हो जाएगा ऑल राइट बस कुछ नहीं करना आपको ए एंड बी की वैल्यू डालना आपको तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना ठीक है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी दैट इज 16 एंड बी की आ जाएगी दैट इज 4 ऑल राइट बस आपको ये समझना था कि वैल्यू कैसे मांगनी है आपको बस ये अप्लाई करना था दैट्स इट नंबर वन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इन सर्टेन एग्जामिनेशन द एवरेज ग्रेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ए इज 68.4 एंड द स्टूडेंट्स इन बी क्लास दैट इज 71.4 इफ द एवरेज ऑफ बोथ क्लासेस कंबाइंड इज 17 फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए टू द नंबर ऑफ क्लास बी इजी है देखो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने ये कौन सा फॉर्मूला है इसमें आपका कंबाइंड बी राइट सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 27 एन इकोनॉमी ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% इन द फर्स्ट ईयर 2.5% इन द सेकेंड ईयर 3% इन द थर्ड ईयर 4% इन द फोर्थ ईयर एंड इट विल गो ऑन टिल 10% इन 10 ईयर वट इज द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन ऑफ द इकोनॉमी वेरी इजी दिस इज फॉर होमवर्क नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 Before we do question number 28, let's understand the another concept of the chapter and we have the bin isko bas last topic rahega that is the harmonic mean. That means now we are going to study another type of average that is harmonic mean. पहले हम बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं व्हाट इज हार्मोनिक मीन इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic mean of the reciprocal of individual observation individual observation देखिए हमने arithmetic mean अच्छे से पढ़ा है अगर हम arithmetic mean को देखेंगे फॉर्मूला तो देखिए अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं दैट इज ए प्लस टू डिवाइड बाई टू यस सो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे रिवर्स हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखिए यहाँ पर एन डिवाइड बाय वन बाय ए प्लस वन बाय बी यहाँ जाएगा सॉरी यहाँ टू आ जाएगा टू पहले से क्या होगा रेसिप्रोकल इसका भी करना है और फिर रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा ठीक है तो पहले रेसिप्रोकल तो पूरा हो ही गया और फिर रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल का भी हो गया ठीक है सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन अब क्वेश्चन आ रहा है सर इसकी ज़रूरत क्यों है पर हमने इतनी ज्योमेट्री में पढ़े मतलब एवरेज पढ़े इसकी ज़रूरत क्या है देखिए हार्मोनिक मीन बेसिकली यूज होता है इन द केस ऑफ जर्नी दैट मीन्स व्हेन वी आर going to find out the accurate speed speed कैसे होता है दैट इज बिटवीन दी डिस्टेंस एंड टाइम का आपका होता है स्पीड मतलब जैसे मान लीजिए अगर इतना जितना टाइम कम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड मतलब आपकी ज़्यादा है ठीक है और अगर स्पीड कम है तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा ठीक है सो दैट मीन देर इज अ इनवर्स रेशियो बिटवीन दी स्पीड एंड टाइम इफ द डिस्टेंस इज सेम राइट
सो यहाँ पे कहता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमन, दैट मीन्स व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड. लाइक सपोज इफ आई फाइंडिंग आउट, लाइक सपोज देर इज अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ऑल राइट, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी, सपोज द एवरेज स्पीड इज सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, बट वाइल रिटर्न फ्रॉम दिस वाइल इन द रिटर्निंग जर्नी दी स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो एवरेज एवरेज क्या होगी? तो अब तक आप क्या कहते थे 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, नेट से ये करते थे, बट वो आपकी गलत आएगी. यस गलत आएगी. क्यों आएगी? वही तो समझ है हमें. अगर आपने वो समझ लिया फिर तो आपका हारमोनी भी समझ कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, राइट. सो वैसे देखिए हारमोनी मीन आप समझ सकते हो कि जब भी आपको मान लीजिए अगर किसी जब भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आपके 2 यूनिट गिवन ना हो तो समझ लें आपको हारमोनी मीन आना है. जैसे कि देखिए जर्नी में आपकी 2 यूनिट है, जैसे देखिए स्पीड 2 यूनिट आपकी किलोमीटर एंड आर, तो हम क्या कहते किलोमीटर पर आर निकालते थे, अब यहाँ पर उल्टा रहेगा, दैट मीन्स आर पर किलोमीटर हो जाएगा इन द केस ऑफ हारमोनी मीन, ओके. तो देखिए कैसे करना है इसको. पहले मैं आपको बताता हूँ कि हारमोनी मीन एक्चुअली हम यूज़ करते ही क्यों है, मतलब ऐसा होता क्या. चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज देर इज़ अ पर्सन हु इज़ बेसिकली मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है. उसके पास अपनी एक ऑटोमोबाइल, मतलब कोई ऊबर का ड्राइवर सब मान लीजिए, ठीक है. एंड सपोज इसके डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. अब जब वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तब उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, एंड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए, तो तब उसकी तो उसकी स्पीड दैट इज़ किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर. नाउ वट वुड बी दी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस होल जर्नी. सो अब तक हम क्या पढ़े, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन पढ़ते थे, तो उसमें हम क्या करते थे 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर. एंड इफ वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ हारमोनी मीन, तो क्या देगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 20, सो दैट वुड बी 2 बाई 10 बाई 120, दैट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर. ये आएगा. अब हमें पता कैसे चलेगा कि आंसर ये आएगा कि ये आएगा, मीन्स व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट मीन टू कैलकुलेट द स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, ओके. तो देखिए प्रूव करते हैं देखो कि हारमोनी मीन ये है. कैसे करना है इसकी एक टेबल बनाते हैं. एक तो बनाने हम गोइंग की और एक बनाते हैं हम रिटर्निंग की, राइट. यहाँ पर इतना डिस्टेंस, एवरेज स्पीड एंड टाइम टेकन, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जब गए, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी कितना डिस्टेंस है 100, जो आप वापस आए तभी 100, टोटल कितना था 200. एवरेज स्पीड कितनी थी जब गया तो 30 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आया तो 20 किलोमीटर पर आवर, राइट. टाइम कैसे निकालना है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम. अब हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम करेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है. सो 100 डिवाइड बाई 30, तो जब उसको टाइम में कन्वर्ट करोगे तो टाइम कितना आएगा, दैट इज़ 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स. एंड जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 5 आवर्स. टोटल कितना हो गया, 8 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है. अब आप स्पीड निकालो, स्पीड के समय डिस्टेंस कितना है 200, टोटल 200 हो गया, टोटल टाइम कितना होगा, दैट इज़ 8 आवर 20 मिनट्स. जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो देन आपका आंसर है दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर ये आएगा.
this is the way of verifying the result, that is how to find out the average speed. आप समझ आ गए होगा कि आपको हारमोनी मीन हम अब क्यों अप्लाई करते हैं. चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. अ मैन ट्रेवल्ड बाय कार फॉर 3 डेज. ही कवर्ड 480 किलोमीटर्स ईच डे. On the first day, he drove 10 kilometers at 48 kilometers per hour. On the second day, he drove 12 hours at 40 kilometers per hour. And on last day, he drove 15 hours at 32 kilometers per hour. Now, what would be the average speed? अब आपको पता ही है इसमें तो आपको क्या निकालना है. That is harmony mean. Simple है. This is question number 28. सिंपल है, हमें हारमोनी नहीं निकालना है. ऊपर क्या जाएगा 3 डेज, तो 3 डिवाइड बाय सबकी स्पीड देखेंगे. स्पीड कितनी कितनी, दैट इज 48, फिर 43 एंड देन 32. लेट्स इट. अब इसको तो सॉल्व करना कुछ करना ही नहीं है. सो 3 डिवाइड बाय 37 डिवाइड बाय 480. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 480 डिवाइड बाई 37, दैट इज इक्वल टू 38.92 किलोमीटर पर आवर. सेट, और कुछ करना ही नहीं, सिंपल है. 29 में क्या पूछा है. इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डबल्स इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज पर ईयर. मैंने बोल रहे हैं अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस 4 समय का डबल हो रहा है तो एवरेज इंक्रीज क्या होगा. आपको पता है इसमें क्या ज्योमेट्री मीन. अब इसमें आपको सिर्फ क्या निकालना है, वही आपका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, उसके उसके हेल्प से निकालना है आपको. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 29. Pn = P0, 1 + n. ठीक है, डबल हो रही है तो 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 1 + r की पावर 4. ठीक है, लॉग लेंगे दो साइड तो log 2 = चलेगा 4 log 1 + r. ठीक है, अब log 2 की वैल्यू टेबल में से देख लेना आप, ये आएगी 0.3010 4 log 1 + r. ऑलराइट, सो यहाँ पे आएगा log 1 + r = 0.3010 / 4, दैट इज इक्वल टू 0.07525. ठीक है, अब आपको एंटी लॉग भी निकालना है इसमें. सो एंटी लॉग आप देख लेना टेबल से, एंटी लॉग आएगा 1.19. सो आर विल बी 0.19, दैट इज 19% पर ईयर. राइट, सो दैट मीन्स अगर 19% से अगर हर साल एनुअल इंक्रीज होता रहेगा कंपाउंडिंग से, तो 4 साल में वो डबल होगा. ऑनलाइन नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द सम ऑफ डिविजन्स of a certain number of observation measured from 4 is 72. देखिए मैं ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है. द सम ऑफ डिविजन्स ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72. सम ऑफ डिविजन, दैट मीन्स डिविजन कह सकते हैं अज्यूम्ड मीन से या फिर अज्यूमिंग से लेते हैं, तो क्या जाएगा सिग्मा डी होता है. बट यहाँ लिखा है सम ऑफ डिविजन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज करें, तो यहाँ पर लिखा है सिग्मा ऑफ एफ डी. कितना दिया है फॉर्म, कितना दिया हुआ आपको 72. आई रिपीट, जब सिग्मा ऑफ सॉरी फ्रिक्वेंसी एफ डी, एफ डी को ऐड करोगे सिग्मा एफ डी सबको टोटल निकालोगे तो क्या आएगा 72. कब, जब अज्यूम क्या लोगा, अज्यूम नहीं करोगे दैट इज 4.
फिर लिखा है कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यू सेम है एंड उसका ए गिवन है अज्यूमिंग दैट इज 7 बट टोटल आया दैट इज -3। तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ईजी है। ये देखिए मीन का फॉर्मूला आपको पता ही, क्या लगेगा आपको, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। ठीक है, फर्स्ट में गिवन आपको 4 गिवन आपको एंड ये गिवन आपको 72 डिवाइड बाई एन आपके फर्स्ट आ गई। सेकेंड क्या गिवन आपको, मीन इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइड बाई एन, तो ये आपकी सेकेंड बन गई। तो बस यहाँ से आपको एन तो निकालना कुछ करना नहीं, और बोल रहा है कि दोनों की सेम वैल्यू है तो दोनों का इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कह देना कि वैल्यू देगी एन इक्वल टू 25 बच्चे, ईजी है। मूव ऑन टू 31। इन अ 400 मीटर एथलेटिक कॉम्पिटिशन अ पार्टिसिपेंट कवर्स द डिस्टेंस एज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज स्पीड। फर्स्ट 80 मीटर्स में स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड, देन नेक्स्ट 240 में 7.5 मीटर पर सेकेंड, लास्ट 80 में 10। सेम हारमोनी में निकलना है, और देखिए हारमोनी में यूज़ करने का एक और रीज़न है, जैसे मान लीजिए अगर स्पीड निकालते हैं तो या तो देखिए अनइक्वल, या तो टाइम टाइम अनइक्वल होगा या तो फिर स्पीड, दोनों में से कोई एक एक होगा दूसरा तो होगा ही होगा। मीन्स अगर मान लीजिए डिस्टेंस मान लीजिए तो सेम ही है मान लीजिए, ठीक है, बट टाइम भी सेम है। अब सब कुछ सेम है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए एक जर्नी है ए टू बी 100 किलोमीटर है, जब गए तो 50 थी, जब आए तो 50 थी, ठीक है। अब डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी डिफरेंट, तो इस केस में क्या होगा, 50 आंसर आना है एवरेज मीन से। तो इस केस में हारमोनी मीन नहीं लगेगा, इस केस में एवरेज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड 3 ऑफ देम आर सेम। ऑलराइट, जब भी कोई कुछ भी आने को होगा देन वी विल गो फॉर हारमोनिक मीन। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज फॉर होमवर्क। नाउ 32 इज, इन अ सर्टेन ऑफिस अ लेटर इज टाइप्ड बाय ए इन 4 मिनट्स, द सेम लेटर इज टाइप्ड बाय बी सी एंड डी इन 5, 6 and 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 लेटर। हाउ मैनी लेटर्स डू यू एक्सपेक्ट टू बी टाइप इन 1 डे कंप्राइजिंग 8 वर्किंग आवर्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर एवरेज कौन सा लगेगा। देखिए हमने 5 टाइप्स के एवरेज पढ़े हैं, देखिए ज्योमेट्री में तो लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपाउंड तो है नहीं, और हार्मोनिक मैंने बताओ यहाँ पर कोई एक यूनिट होनी चाहिए, क्या यहाँ पर कोई यूनिट हो रही है, हाँ हो रही है। क्या लिखा है, 4 मिनट्स इन 1 लेटर, दैट इज 4 बाय 1, 4 मिनट्स में एक लेटर, तो 4 बाय 1, फॉर बी 5 बाय 1, फॉर सी 6 बाय 1, फॉर डी 10 बाय 1। रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6, 1 बाय 10, दैट्स इट, आपका बन गया हार्मोनिक मीन। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट हो गया, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ओके, सो आप सब होमवर्क करो एंड देन वी विल डिस्कस ऑल योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट लाइव वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।